हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिंटर को इंस्टॉल करते हैं और कैसे प्रिंट आउट देते हैं। इसके अलावा हम नेटवर्क से भी प्रिंट आउट देंगे कि मतलब ये कि एक नेटवर्क से कैसे प्रिंट आउट देते हैं और हमारा प्रिंट आउट कैसे निकलता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ पूरा सेटअप, उसके बाद मैं दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूएसबी पोर्ट की, और यूएसबी पोर्ट से ही हम लोग सब कुछ काम करेंगे। एक लैपटॉप इधर है और एक लैपटॉप ये है, दो लैपटॉप है और मैंने इसको लाइन सेटअप पे लगाया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर है, इप्सन का इप्सन L360 मॉडल है। हम इस प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को कॉपी कर लेंगे, कहीं में सिस्टम पर रख लेंगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन वाले आइकन पर जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको यस देंगे। यस करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर एग्री टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसको चेक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर जो भी गाइडलाइन देगा उसको नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे करते जाएंगे। वो फुलफिल है कि नहीं, अगर नहीं भरा है तो पहले इंक भर लीजिए, उसके बाद इंक फिल कर लीजिए, उसके बाद इसको चेक करने के बाद नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आप नेक्स्ट करने का ऑप्शन देगा और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको दे रहा है टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, इस बाद नेक्स्ट करेंगे और आपका प्रिंटर थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रिंटर इसमें USB से कनेक्ट है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे रहा है प्रिंटर नेम आपका कौन सा है और पोर्ट नेम USB है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने और फिर से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हुए चले ऐड प्रिंटर का ऑप्शन दे रहा है, इस पर जाना होगा। इस पर जाने के बाद ऐड लोकल प्रिंटर पे जाना होगा और यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारा USB पोर्ट है तो हमको USB पे क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद थोड़ी देर में लिस्ट खुल के आ जाएगी कौन सी कंपनी का है। तो ये मेरा इप्सन का है, इप्सन सेलेक्ट करने के बाद तो आपको क्या करना होगा, मॉडल चूज करना होगा हमारा कौन सा मॉडल प्रिंटर है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको प्रिंटर का मॉडल दिख जाएगा सब। देखिए हमारा ये मॉडल XL360 सीरीज, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है यूज द ड्राइवर, इसको करना है, नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर प्रिंटर का नाम मॉडल वगैरह को चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको नेक्स्ट करना है और ये आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है प्रिंटर शेयरिंग का, अगर आप शेयर भी करना चाहें तो प्रिंटर को यहीं से शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नाम लिख दे रहा हूँ शेयर प्रिंटर, ऐसे करके नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अभी एक बार मैं निकाल चुका हूँ प्रिंट आउट, तो इसको नहीं निकालूंगा, फिनिश करके छोड़ देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसने जो शेयर का ऑप्शन मांगा, आप कंप्यूटर को ओपन करेंगे, अब आपका प्रिंट आउट प्रिंटर शेयर हो चुका है। अब आप अपनी दूसरी पीसी पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। कि हमारे पास दो पीसी है, एक की आईपी 13 है और दूसरे की आईपी जो वह 12 है। अब हम क्या काम करेंगे, जब हमने प्रिंटर इंस्टॉल किया तो 13 वाली आईपी में इंस्टॉल किया, 13 जिसकी आईपी 13 उस लैपटॉप में इंस्टॉल किया, और जिसकी आईपी 12 है हम उसमें उसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको रन कमांड पे जाना होगा और रन कमांड पे जाने के बाद जो भी दूसरे पीसी का आईपी है, ये 13 है तो मैंने 13 इंटर कर दिया है। और उसके बाद अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि
प्रिंटर जो है हमारा शेयर्ड प्रिंटर का ऑप्शन आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, कोई भी प्रिंटआउट, कोई भी चीज़ प्रिंटआउट करके हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, नोटपैड खोल लेता हूँ और नोटपैड के अंदर कुछ लिख लेता हूँ मैं। ऐसे कुछ मैंने लिख लिया, अब मैं क्या काम करता हूँ, प्रिंटआउट दे देता हूँ। प्रिंटआउट के लिए अब जैसे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन देगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ से प्रिंटआउट का कमांड देते हैं, शॉर्टकट कंट्रोल पी का। अभी देखिए यहाँ पे प्रिंटर का हमारे पास ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन दे दिया। अगर नहीं ऑप्शन देगा तो आपको क्या करना होगा, ऐड प्रिंटर पे जाना होगा और यहाँ से फाइंड प्रिंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो भी पी सी रहेगा तो यहाँ पे आपको पी सी सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद प्रिंटआउट का। लेकिन हमने यहाँ पे एक बार ऐड कर लिया है, ये हमारा ए बी सी डी प्रिंटर है। इसको यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट का वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे थोड़ी देर में हमारा पेज प्रिंट आउट होकर बाहर निकल गया जाएगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, जो मैंने लिखा था ये हमारा प्रिंट आउट भी आ चुका है। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।